जानवे की बात कर रहा है, उनकी शादी में यहाँ अपनी बहन के साथ आया था और दो के साथ हमारे बीच में नहीं, उनकी अभियान के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। सबके विचार से बड़े विचार से सुने क्या हालात क्या है इस लोकतंत्र के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी सबकी आग को दबाने का हम कर जो कि दुखद है भाई, हमारा देश है और हमें हमारे हित में बात करने की इजाजत नहीं, अपनी ही बात कह सकते हैं, अपने ही देश है और कहां जाएंगे हम अपनी मदद के लिए, कौन से देश में जाएंगे। किसान की बात रखने के लिए देश नहीं है, देश का जाना आते नहीं है, देश के नागरिक देश आजादी में हमारे किसान जान जाते थे अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन जाने दे दिया और किस तारा चाहेगा किसी जुड़े वाले का आज ये इंडिया गठबंधन बना, यही कारण है अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने देश लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई आप सभी साबित इंडिया गठबंधन लड़ा। अभी जैसे भाई मुझे करें कि किस प्रकार से दो मौजूद का मुख्यमंत्रियों को आर्थिक आप उठाया जाता है और जेल में बंद किया जाता है चुनाव से पहले, विपक्ष आप उठाने की बात तो लोगों से आपने खाली उनके नाम मिला तो मानती होगी, लेकिन कोई तरीका नहीं, विपक्ष बहुत अधिक है, जना की आवाज विपक्ष उठाता है, पहले भी उठाता आया, अब क्यों नहीं उठा रहे। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही का कोई स्थान हमारे देश में नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इसका कोई लाभ नहीं की कोई जगह है। बड़े बड़े मायने आपके साथ किए जाते हैं और हम छोटे छोटे भी नहीं करते, किसी भी अपनी बात पर भूल नहीं चला, पच्चीस साल बाद देश को विकसित बनाने राहुल गांधी जी ने बात रखी है पांच शहरों की, उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश आपके बीच में डाल दिया कि चाहे वो मात्र शक्ति बैठी कि नहीं है कि महिलाओं को जो गरीब परिवारों से है 1,00,000 रुपए सालाना की वो सहारा लगाएगा, ये प्रावधान और जो 30,000 से ज्यादा नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी है पद उनमें से आधी महिलाओं द्वारा भरी जाएगी, एक आधी आबादी पूरा हमारे युवा जो प्रदेश छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं विदेशों में जा रहे उनके लिए भी जल्द ये 30,00,000 नौकरियां जाएंगी और एक इंटर्नशिप कार्यक्रम रहेगा और साथ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिलेंगे, ऐसी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे विधानसभा की लड़ाई रही है आपकी बात दुलाई कारखानों की गरीबों की व्यापारियों की कर्मचारियों की महिलाओं की खिलाड़ियों की हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की सबकी आवाज उठाई है, ऐसे जब आप मौका देंगे आशीर्वाद देंगे आप हमारे लोकसभा में युवाओं का ही आपको विश्वास दिलाता हूँ। पिछले 10 सालों में आप लाइक आवाज उठाई हो बात रखी होगी कुछ भी नहीं, नुमाइंदा चुनने का कोई फायदा नहीं है जो वहां जाके वोट डाल सकते हैं, ऐसे नुमाइंदे का क्या फायदा।
फायदा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई लूंगा, आपकी आवाज युवाओं का जिस हमारे समुदाय है दूर हो सके, आपको अपने बीच में खड़ा मिला, ये भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अभी भाई आपकी शनिवार 8 दिन बचे हैं, एक एक दिन हमें पहुंचना है, इंडिया के अंदर जमीन घर बनकर पहुंचना है, वर्ग जगह भी बनकर पहुंचना है, क्योंकि इस दाना के खिलाफ आज चाहे कोई किसी पार्टी देखा हुआ है बनना है यू इंडिया के अंदर को वोट देंगे। काम सिर्फ ये है कि हमें घर घर दखल नहीं है, तो ये ना कहें कि अंदर को कोई पता नहीं है ना हो, अपने देश को बचाने के लिए अपने देश को बचाने के लिए ये काम नहीं करना है, बाहर खड़ेगा नहीं। बड़ी अच्छे हमारा संविधान बना है जो हमारे देश का प्रधान कानून है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसने हमें बराबरी का अधिकार दिया, मिलकर हमें लड़ाई लड़नी है इस आंदोलन के साथ, एक एक वोट आप इंडिया गठबंधन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी अपने दावे दबाएंगे, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।